हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको हमें ऐड करके दिखाना है। और ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं हॉट्स लगाए गए हैं ना, या तो आपके नॉर्मल एग्ज़ाम्स में जैसे 10th में, 12th में, 11th में, ये सब में नॉर्मल एग्ज़ाम्स में भी आने वाले जो है जो कुछ ट्रिकी तरीके से बनेंगे वो होंगे, या फिर आपके द्वारा भेजे गए जो टफेस्ट आपको लगता है वो हो गए, या फिर जो भी आएगा कंपटीशन से जो न्यूमेरिकल सेक्शन होता है किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे आप यूपीएससी के क्यों नहीं जा रहे हैं, उसमें भी ये टच करेगा और वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये सारे टर्म्स आप देख रहे हैं फोर से डिविजिबल है, तो हम क्यों ना इसको फोर से डिवाइड कर दें। फोर से डिवाइड करने पर यहाँ क्या आएगा, 31। अब यहीं आपका क्लू है, यहीं आपका क्लू है। वो क्या क्लू है, इसमें दो से गुणा करें, ठीक है, और इसमें एक जोड़कर गुणा करें और ये आपका आंसर हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करके जो भी लिख दें ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया, आइए इसको समझाते हैं। अभी तक ये जो टर्म्स है ना, इसको कहें तो ये एपी भी है, एपी है। ये एपी का मतलब जानते हैं क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब कि हर दो टर्म्स के बीच एक समान डिफरेंस होता है। 124 है तो जस्ट इसके पीछे वाला टर्म्स होगा 120, ठीक है। तो 120 में चल नहीं रहा है, एक सौ बीस वहाँ पर नहीं दिखा रहा है, वो छुप जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। चलिए एक सौ इसके पहले जो होगा वो 120 होगा, ब्लैक है इसलिए नहीं चल रहा है वो। यहाँ पे जो इसके पहले वाला टर्म्स होगा वो क्या होगा, 120 होगा, ठीक है। तो यहाँ भी अगर चाहें तो ये किसका, इसका कितना होगा, तो ये 4 होगा। यहाँ भी ये 4 यहाँ डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस एकदम बराबर है हर किसी भी दो टर्म्स के बीच अगर डिफरेंस बराबर है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये एपी में है। अब एपी में है तो एपी का सम क्या होता है, एसएन। तो उसके लिए पहले एस एन आपको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एस एन निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें एन चाहिए, तो एन कैसे मिलेगा, तो उसको निकालने के लिए आपके पास टर्म्स क्या है, ये 31 ही टर्म्स है। कैसे पता चला, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 4 कॉमन कर लेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 31 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कितने टर्म्स हैं, 31 है। आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा ये टर्म्स, उससे नहीं मिलेगा तो टी एन यानी कि लास्ट टर्म्स इज इक्वल टू 124। तो टी एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी इज इक्वल टू 124, इससे निकाल लेंगे। एन कितना होगा, 31 निकालना ही है, डी कितना होगा, 4 होगा, और ए कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो ये 31 है, तो एस एन क्या होता है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 31/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a मतलब 4 8 और प्लस 30 × 4 120 कितना हो जाएगा, ये 128 और ये 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 62। तो ये देखो 64, तो ये 2 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 और इंटू यहाँ पे n 31 आ गया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो क्या करेंगे आप,
लास्ट टर्म्स में जो कॉमन आ रहा है, जो बढ़ते जा रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे, उसको डबल करके और उसके एक नंबर ज़्यादा से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप 64 और इंटू 31 कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो वो जिसको ट्रिक्स याद होगा, वो ट्रिक्स कहने का मतलब कि थॉट्स अगर जानता होगा तो डायरेक्ट ये टर्म्स इस्तेमाल करेगा, वहीं उसका ट्रिक्स हो जाएगा। तो गैस आज फिर आपके लिए एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चंस को आप हमें करके दिखाएंगे। नहीं कर पाए ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं कर पाएगा, हो जाएगा, लेकिन अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो आप ज़रूर हमें मैसेज करें और कमेंट्स करें। हम अगले दिन इसका अगले वीडियोस में फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्यूशन इसका देंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। चलिए अगले वीडियोस में या तो इस क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ और साथ में एक और क्वेश्चंस लेकर हम आएंगे। और ये आपको बता दें कि क्लासेस ऑन हो चुकी है, क्लासेस चल रहे हैं। हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस, हमारे लाइव क्लासेस को देखें, या फिर हमें ज्वाइन करें पेड क्लासेस के लिए, जो कि मीट पर ऑर्गेनाइज होगी। वो ऑर्गेनाइज होती है किस पे? मीट पे। ये पेड क्लासेस है और इसमें आपको फुल चैप्टर्स, फुल कोर्सेस करवाई जाती है। जिस भी कम्पिटिटिव के लिए आप होंगे उसके लिए आप हमारे नंबर्स 9934596600 पर व्हाट्सएप करके और अपना किस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या किस क्लास के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपना नाम और वो सब्जेक्ट्स और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी हो उसका नाम लिखकर हमें भेजें। फिर आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपके लिए अभी बैच बना है या नहीं बना है। नहीं बना है तो उसको बनाया जाएगा और उसमें आपको जोड़ा जाएगा और वहीं पे फ़ी की आपको जानकारी मिलेगी कि आपको कितनी फ़ी भरनी पड़ेगी। हर एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग फ़ी है और बहुत छोटा सा फ़ी है, डरना नहीं है, बहुत छोटा सा फ़ी है। इसके अलावा आप YouTube पर भी हमें जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको वीडियो के रूप में या कभी कभी लाइव क्लासेस के रूप में भी मिलेगा आपका क्लास। परमानेंट आपका क्लास चले वो मीट पे होगा और आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। YouTube पर भी आपका अगर बैच बनता है पूरी तरह से तो वो भी आपका ये सब्सक्राइब करके अपना नाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का नाम भेजें। अगर वो ग्रुप्स होगा एक बड़ा सा, तो जैसे क्लास चलाने लायक एक ग्रुप होगा, तो उसके लिए भी लाइव क्लासेस लेकर आएंगे। लेकिन तब तक, जब तक हम चैनल हमारा ग्रोथ नहीं करता, आप हमें इकोनॉमिकली भी सपोर्ट कर सकते हैं। और ये QR है, इसमें आपकी इच्छा जितनी हो, जो भी हो, आपकी जो भी हमें चाहते हैं कि उतना हमको सपोर्ट कर सके, तो आप सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल्स ग्रोथ करें और अच्छे क्वालिटी के साथ हम आपके साथ आ सकें। तो चलिए आज के क्वेश्चंस में इतना ही। हम आपका धन्यवाद करते हुए यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।